यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी बाप की दिल्ली थोड़ा ना, हमारा भी हमारी वोट लेके बैठे ना, दिल्ली देश की राजधानी है, हमारे भी इतने है जितना सरकार का है और किसी का है। मैं आपको बता दूं ये कानून के बारे में थोड़ा सा, मिर्जा गालिब ने कहा था कि जला जो जिसम दिल भी जला होगा, कुरेद ते हो राखे जुस्त जू, क्या है ये तरीका क्या है। एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 1995 से 2015 तक 3,00,000 किसानों ने सुसाइड की है, तो ये राख कुरेद रहे हैं, सुसाइड कर चुका है वो, कि राख में कुछ ना बचाओ जी मास, ये बेचने जा रहे हैं। मैं कानून के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, पहला कानून क्या बोलता है, एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसलों को बेच सकता है। इस देश में 85% किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। बोला कि प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटर स्टेट मूवमेंट हो सकता है। आप मुझे बताओ 2 एकड़ वाला अपनी ट्राली पर कह रहे हैं ना पंजाब यूपी से तमिलनाडु केरला बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा, कौन सा लॉजिक है, कौन सी रैशनलिटी है, कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा उसका। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बोलता है, उसके एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड, समझ रहे हो बात को, पहले बोला जाएगा कि चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा, समझ रहे हो, खुला आसमान है, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ पानी सूखा आंधी तूफान सब कुछ उसको असर करता है। अब मशीन तोड़ा ना कि मशीन में से निकला बिना डिफेक्ट के निकल आएगी, ये तो वही बात होगी, सरकार बोल रही कि पानी वाला जहाज उड़ेगा, हम बोल रहे हैं सर वो तैरता है, बिना नहीं उड़ेगा, वो उड़ रहा है ना पानी वाला जहाज, ये मर रहे हैं किसान, ये बकवास कर रहे हैं। तीसरा कानून क्या बोलता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में नेहरू जी ने पास किया था, स्टॉक लिमिट लगाई थी, आज उसको स्टॉक लिमिट हटा दी है, और बोला क्या है किसान होल्ड करेगा, किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है, उसके सिर पे छत नहीं है, फसल के लिए कहां चलाएगा छत, कौन सा लॉजिक है, कोई रैशनलिटी, बकवास कर रहे हैं, जमीनें बेचने जा रहे हैं। मैं हरियाणा से हूँ, आप सवाल का मुद्दा उठाते हैं, आप ये बताओ हमारे पास जमीनें नहीं रहेंगे, पानी में डूब के मरना है क्या, पानी किसके लिए चाहिए, जमीन के लिए, खेती के लिए। आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं, अगर हम आतंकवादी हैं तो आप हमारे बीच में ऐसे घूम सकते हो आतंकवादियों के बीच में, 70% देश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए, तो देशभक्त कौन है, आतंकवादी बताऊं मैं कौन है, साधु प्रज्ञामल ठाकुर जिसने 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, उसकी मेहनत कुछ है, आतंकवाद के चार्ज हैं, वो पार्लियामेंट में बैठी है, समझ रहे हो, गोट से जिंदाबाद के नारे बताए, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। आतंकवादी एक बात और बोल दूं मैं, आतंकवादी अगर हमें बोल रहे हैं तो 60 के डिकेड से पहले इंडिया फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट नहीं था, भूखे मरते थे हम, 62 में चाइना से वार हार गए, 64 में फैमाना, लाखों लोग मरे भूख से, जवान भी आ रहा था किसान भी आ रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान 65 में, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आज जो बफर स्टॉक के नौ में इतनी मेहनत से हमने जमीन को सींचा था, बफर स्टॉक के नौ में खाने के लिए कम से कम होना चाहिए 40 मिलियन टन के, वो दुगना हो चुका है आतंकवादियों की वजह से, देश पाला हमने, भूखे मरते थे हम, आतंकवादी बोल रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं वो कहते हैं किसान AK-47 लेके आ गए हैं, देखिए ये सारे अनपढ़ हैं, गौमूत्र खाने वाले हैं, गोबर मूत्र खाने वाले, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वो नंदा सेम थिंग, सब एक से हैं, और रमेश भदुड़ी बोल रहे हैं कि बड़ुए हैं 500 रुपए में खरीद के लाए हैं, पता उसको कोई बड़ुए हैं, अंधाता है देश को बड़ुए बोल रहे हैं, शर्म करो देशवासियों, आप अपनी आज नहीं उठा रहे यार, मिर्जा गालिब ने कहा चमन में तिलक के रंग बाबू से बात बनती है, हम ही हमें तो क्या, हमें तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, डेमोक्रेसी क्या होती है, पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, आज क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट बाय द कैपिटलिस्ट फॉर द कैपिटलिस्ट, उद्योगपतियों को जमीनें बेच रहे हैं, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी वो कह रहे हैं कि इस पूरे किसान आंदोलन में हमको घसीटा गया है, हम किसानों से ना जमीन लेते हैं डायरेक्ट ना अन्न लेते हैं, क्या कर रहा है बता रूको, 1991 में LPG के थ्रू इकोनॉमी को खोला था, क्या बोला था कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आ गए, कंपनियां आएंगी, रोजगार मिलेगा, देश की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगी, आज उसका नतीजा ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है, हम कहां हैं, हम कारखाने लगाएंगे, हम PhD करके आते हैं, BTech करके आते हैं, 10,000 की नौकरी देते हैं, 10,000 में ड्रेस नहीं आ रही, कपड़ा नहीं आता 10,000 में, मोदी जी कहते हैं पिंचर लगाने वाला भी रोजगार कर रहा है, क्या लगाने वाला पिंचर, तो लगा रहे पकौड़े तले, हाँ आत्मनिर्भर बना रहे ना, फिर ताली ताली बजवा रहे हैं, एक ही थाली के बैंगन है, बकवास कर रहे हैं, पार्लियामेंट में 43% क्रिमिनल बैठे हैं, ADR की रिपोर्ट बताती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, कुलदीप सेंगर रेपिस्ट, चिमेनन रेपिस्ट, साधु पर गया आतंकवादी, वैसे बैठे हैं पार्लियामेंट में कानून।
बैठे हैं वो पार्लियामेंट में, कानून बना रहे हैं हमारा, अपराधी हमारा कानून बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कानून, मर रहे हैं ना लोग। गुरु तो आसाराम थे तो आप ही हो ना उन लोगों किसको तो फिर चुन लिया उस टाइम पे पता थोड़ा ना था भाई क्या ये ऐसा करेंगे। दूसरी बात चुनने वाली बात वो आपको गलत लगेगा लेकिन हमारे देश में एजुकेशन इतनी ज्यादा है कि जैसे इलेक्शन आएगा कोई कोई हिंदू बन जाएगा, कोई मुसलमान बन जाएगा, कोई ब्राह्मण बन जाएगा, कोई जाट, कोई गुर्जर, कोई दलित, ये जाति पाति के आधार पे वोट देते हैं। शर्म करो आप, शर्म की बात है, ये एजुकेशन नहीं है। इलेक्शन आएगा तब भी इनके साथ मिलेंगे, भगत है चिंटू पप्पू पिट्ठू बन के बैठे भाई साहब, ये समझने की बात है। डेमोक्रेसी क्या होती है? डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट एसएमटी, ही डेमोक्रेसी है, यूज करो उसका। तो चुनाव जो होता है क्या विकास को भूल जाते हैं या फिर जातिवादी को लेकर चुनाव? मैंने बोला ना वही तो हो रहा है, जाति के आधार पे टिकट देंगे, फिर क्या बोलते हैं कि भाई ये जाट नेता है ये उत्थान करेगा मेरा, दो आदमी जाति के आधार पे वोट लेके जाएगा फिर काम करेगा आपको क्या? वोटर भी तो जाति के आधार पे वोट दे, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट दोगे तो मन की बात होगी, काम के आधार पर वोट दोगे तो काम की बात होगी, समझ रहे हो? डिवाइड एंड रूल पे बोलना चाहूंगा मैं, कुछ किसी ने अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था ये भी वो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके, कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम लिखे बहतीदारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, हाँ जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? उन फिर का प्रश्नों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक ही हमेशा से सबकी क्या अभी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रैपर काम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? अगर स्टेट मंदिर बनवाएगा तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सड़कें बिजली पानी ये कौन करवाएगा? इस देश में पहले भी मंदिर बने सरकारों ने बनवाए हैं, ये आर्टिकल 25 हमारे संविधान का बोलता है कि राइट टू फ्रीडम टू प्रोफेस प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस एनी और नॉट एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस। धर्म हमारा पर्सनल मैटर है, हमारा फेथ है, अपने आप चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवाएंगे, सरकार मंदिर बनवाएगी, स्टेट का कोई रिलीजन है क्या? तो सबसे पहले तो चंदा राष्ट्रपति जी ने दिया है, तो राष्ट्रपति क्या का हमारा ही है, कौन है वो, किसान है क्या वो, मैं हमसे बीच से गया क्यों, कैसे राष्ट्रपति चुना जाता सबको पता है, सब उनका है, वो तो एक रबर स्टैंप है, सब रबर स्टैंप उठा के लगा दी। आज मुझे बता दो एक भी कानून पे जिसमें राष्ट्रपति ने डिसेंट का अड़े हो कि नहीं, गलत है ये, सारे कानून पे मोर लगा देते हैं, पिट्ठू होते हैं सरकारों के राष्ट्रपति, देश का पहला नागरिक गलत बोल रहा हूँ लेकिन पिट्ठू है भाई, पिट्टू है। तो क्या आपको लग रहा जनता को भी सुधरना चाहिए था? सुधरना है, सुधरेगी कैसे? मैं जी रेस्टोरेशन आया था 1860 के दशक में जापान में, छोटा सा देश है, खेती के लिए जमीन नहीं है, टापुओं का देश, आइलैंड पे बसा हुआ है, मैं जी रेस्टोरेशन आया था, उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, देश को इतना पढ़ाई लिखाई, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ पे इतना खर्चा किया कि छोटा सा देश है ये, जितने है ना दादागिरी के घूम रहे हैं वर्ल्ड पावर बन के, घुमा घुमा के मारा था, घुमा घुमा के भगा भगा, यूएसए को पीटा, पल साबर पे अटैक किया, चाइना को हराया, रशिया को हराया, सारे देशों घुमागा, छोटा सा देश है, ऐसे आज इजराइल पूरे मुस्लिम राष्ट्र 60 मुस्लिम देश हैं, भगा भगा के मारता है। ये लड़ाई की बात नहीं है, रिवेंज की बात नहीं है, रिफॉर्म की बात है, ये रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग की बात है, क्रांतिकारी की बात है। भगत सिंह ने जो वो फांसी हो रही थी ना, उनके वकील ने आके पूछा था आप देश को क्या संदेश देना चाहोगे, उन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आज मैं बोल रहा हूँ कि पूंजीवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप काम की बात कर लो यार, मन की बात क्यों करते हो, काम की बात क्यों नहीं करते, खेती किसानी की बात क्यों नहीं करते, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी सड़कें, इसकी बात क्यों नहीं करते? आप खामी बता रहे हैं सरकार के, लेकिन जो रामदेव जी वो कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है देश में। अरे सलवारी बाबा, लाला बाबा, क्या बात कर रहे हो, जो सलवार सूट पहन के भाग गया वो हमारी बात करेगा? अरे बिजनेसमैन है, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ, योगा करवाते हैं किस लिए? शरीर स्वस्थ होगा, फिर दवाई बनाते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं दवाई की क्या जरूरत है? इस गेम को समझे आप, सबसे ज्यादा वो उसी का विकास हुआ है इस सरकार में, शांति कुंज, शांति कुंज, हम तो मर रहे हैं, मैंने बोला ना 12,500 एनुअली सुसाइड कर रहे हैं भाई साहब। वो कहते हैं किसानों ने कानून नहीं पढ़ा और किसान ना समझे, तू बोलते हैं आके समझा देना, वो कौन सा चश्मा लगाते हैं बाबा, मैं अगर आप समझाओ ना, मैं आके कौन सा चश्मा लगाते हैं, हमें भी दे दो चश्मा जिसमें कौन लाइन दिखती हो भले की, ये कानून जहर है जहर। सरकार क्या बोल रही है कि 2-3 चम्मच निकाल देंगे, गिलास भरा जहर का है, बोले 2-3 चम्मच निकाल देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे, संशोधन कर देंगे। आप मुझे बताओ एक चम्मच हो, एक
एक गिलास हो, एक बाल्टी हो, एक चुटकी हो, जहर तो जहर होता है, खाते ही डेथ होती है, ये डेथ वारंट है। लेकिन सरकार कह रही है किसानों को अच्छे दिन आएंगे इस कानून से, लागत का डेढ़ गुना मिलेगा, दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। अच्छा, एपीएमसी में खामियां बताई है, एक 2016 में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं, 2016 में ई नाम वो लेके आए थे पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसमें क्या बोला था 2022 तक दुगुनी हो जाएगी, आज कितनी है? वो नेशनल मार्केट होगा, वो कहां गई पॉलिसी, वो फेल क्यों हुई, क्या कारण रहा हुआ? दूसरी बात, एपीएमसी अगर ट्रेड को डिस्पोर्ट करती है तो फिर केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, तो 94% तो वैसे आजाद है, उनका उत्थान क्यों नहीं हुआ? मैं बता दूं आपको, दो चार डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर दुआई देता ना हम खाते हैं, उस डॉक्टर का नाम है WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF, जो वो लिख के देते हैं वही लगा चेप देते हैं, अपना तो दिमाग यूज नहीं कर रहे, गोबर मूत्र खा रहे हैं साले, समझ रहे हो? USA में एक किसान को 45 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा पूरे वर्ल्ड में, बज रहा है अपने देश में तो बजाओ पहले, डंका किस चीज का बजता है? 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, ग्लोबल हंगरिंग इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, 94वें नंबर पर है इंडिया, पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे, आतंकवादी देशों से पीछे, ये डंका है क्या? कहते रहे हैं कि हमने जो आसपास के देश अभी भी जीत रहे हैं, कहां कल सर्वे आया उसमें भी अभी भी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। अरे सर्वे कहाँ आया है ये बता दो, गोदी मीडिया में आया है, इंडिया टुडे ने बता दो कहाँ पे आया है, इंडिया टुडे ने कहा है कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं, फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं, बताया किसने है, इंडिया टुडे किसका, किसान का है क्या, हमारी बात करता है क्या, पिट्ठू बन के बैठे हैं, चिंटू है, चाटुकार है, पत्रकार नहीं है, सरकार की बात करते हैं, हमारी एक बंडल पे बिक जाते हैं यार, 2 रुपए की कौड़ी की औकात नहीं, हमारी बात करेंगे वो, क्या लग रहा है किसकी बात करेंगे? आप मुझे बताओ, डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, 4 होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, चौथा होता है मीडिया। अब मोदी जी के बारे में मैं कैसे जानता हूँ, आप कैसे जानते हो? मेरी बुआ का लड़का है क्या, आपकी बुआ का लड़का है, मीडिया ने बताया ना, उनकी थाली लेकर उतारी दिन रात, भगवान बनाया, बना के नहीं बनाया, भगवान ने बनाया ना, तो मीडिया वाले जिसको चाहे चढ़ा सकते हैं, आपको भी चढ़ा सकते हैं, मुझे भी चढ़ा सकते हैं, तो मीडिया सही काम नहीं कर रहा क्या? काम की बात होनी चाहिए, मीडिया कहाँ काम कर रही है, मीडिया कहाँ काम कर रही है? मीडिया के बारे में कहा था कि वो बारी बारी से कर रहे ना विकास, कि देश चलता नहीं मत चलता है, मुद्दा हल नहीं होता वो चलता है, जंग मैदान पे नहीं मीडिया पे जारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है, यही तो हो रहा है, चुन चुन के मारे एक छज्जा टूट जाता है, उनको चुने हो जाते हैं यार, और किसानों के पीपली में हार्ट टूट गया, उसके लिए कोई एक आवाज नहीं उनके पास। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, अमिताभ बच्चन है, बॉलीवुड कलाकार है, वो किसान चैनल है जो, उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट नहीं किया किसानों के लिए पूरे आंदोलन में। अरे ऐसे लोगों के हमें जो नवरतल तेल बेचते हैं तेल, उसी ऐसे लोगों के हमें आज से ये भी नहीं, हम अपनी आवाज उठाना जानते हैं। सपना चौधरी है, हाँ। वो भी काफी फेमस है, किसान के लड़के, किसान भी काफी डांस करते हैं उनके लेकर के, लेकिन वो भी ट्वीट नहीं कर रही है। वो किसके साथ है? बीजेपी के साथ है, उसकी पार्टी में जुड़ी हुई है, इलेक्शन में खड़ी हुई थी, नहीं खड़ी हुई थी उनके साथ, सबको पता है। वीरेंद्र सहवाग भी नहीं कर रहे हैं ट्वीट। भाई मैं अब पूरे देश का चिट्ठा तो लेके बैठा नहीं, कौन क्या करा, कौन किस टाइम पे मुंह क्या, काफी ट्वीट करते हैं ना वो तो। मैं रिपब्लिक भारत वाला तो हूँ नहीं कि क्या कुछ टाइम पे छींक मारी, वो वही लेके घूमते ना, रिया ने छींक मारी ब्रेकिंग न्यूज जोर से मारी, समझ रहे हो? मैं रिपब्लिक भारत से हूँ नहीं भाई, समझ रहे हो? बात क्या है कि काम की बात होनी चाहिए, खेती किसानी की बात है, लेकिन मैं शाम तक बोल सकता हूँ, क्योंकि किताब उठा रखी, भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब ने तो बम से आता ना पिस्तौल से आता है, इंकलाब आता विचारों से, नॉलेज से, किताब से। ये किताब बोल रही है, ये बकवास नहीं बोल रही, गोबर मूत्र नहीं बोल रहा। तो मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, भगत सिंह की कौम है ये, भगत सिंह के बगैर हम खत्म नहीं कर सकते। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम बुलाएगा, काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद ना हो, वो इसके बुलाएगा इसको जिसमें भगत सिंह की याद ना हो, और हम बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब आएगा, जोर से बोल रहे हैं, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हो, इंकलाब इंकलाब।